हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लो एंड पीसी पर अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते हैं और वो भी जेन्युइन गेम्स फ्री में। दोस्तों आइए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबके लैपटॉप पीसी में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो होता ही है। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप या पीसी चला रहे हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो होता ही है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे गेम्स आपको अच्छे ही मिलें। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे गेम्स दिखते हैं। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज गेम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सारे गेम्स यहाँ पर सही तो नहीं है, अच्छे तो नहीं है ना। और कुछ गेम्स बड़े भी होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है और उनको खेलने के लिए पीसी रिक्वायरमेंट्स हाई चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे गेम्स भी हैं और जो कि 2 से 3 GB के अंडर है और आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अच्छे चलते हैं। डुअल कोर CPU और 4 GB RAM में आप वो गेम्स बढ़िया चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गेम आपको मिलेंगे जैसे आप आएंगे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर, तो आपको यहाँ पर फ्री वाला ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं ये फ्री ऑप्शन दिख रहा है, टॉप फ्री गेम्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे गेम्स देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन इन करना होगा। साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो क्रिएट वन कर लीजिए। क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर या एग्जिस्टिंग मेल आईडी इंटर करनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। ये सब प्रोसेस आप कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट वो बता देता हूँ। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आते हैं तो सारे गेम्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, लेकिन इनमें से कौन सा अच्छा है आपको क्या पता। मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 गेम्स जो आप खेलेंगे तो आपको रियली मज़ा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ गेम्स डाउनलोड किए हुए हैं जैसे वर्ल्ड ऑफ टैंक, ब्लिज, स्नाइपर फ्यूरी, अशफॉल्ट 9, मॉडर्न कॉम्बैट 5 और एक नया गेम मैं यहाँ पर डाउनलोड करने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं इन गेम्स को आपको खेल के भी बताऊंगा कि कैसे गेम्स हैं और कितना इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इनके रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं पीसी में, जो भी आप डुअल कोर CPU चाहिए और 4 GB RAM चाहिए और मिनिमम जो ग्राफिक मेमोरी है वो 256 MB की, जो कि CPU के साथ ऑनबोर्डेड होती है। तो फ्रेंड्स, एक नया गेम मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो है, जैसे आप टॉप फ्री गेम्स पर जाते हैं तो यहाँ पर मोर गेम्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये गेम लॉफ्ट का जो गेम है स्नाइपर फ्यूरी, ये तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन इसके नीचे एक और गेम है गेम लॉफ्ट का, जो कि ऑलमोस्ट GTA की तरह ही है। 2 से 3 GB का ये गेम है और काफी अच्छा ये गेम है। गैंगस्टर न्यू ऑर्लींस ऑनलाइन ओपन वर्ल्ड गेम है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, और उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री है और यू ऑन दिस गेम ऐसा लिखा रहा है। तो इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही डाउनलोड होता है दोस्तों, मैं आपको इसको खेल के भी दिखा देता हूँ। और बाकी जो गेम्स हैं जो भी मैंने डाउनलोड करी हैं, वर्ल्ड ऑफ टैंक, ब्लिज, स्नाइपर फ्यूरी, असॉल्ट 9, मॉडर्न कॉम्बैट 5, इन सभी को मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया गेम है दोस्तों और अपने लो एंड पीसी पर ये बढ़िया चलते हैं और आप इनका मज़ा ले सकते। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये गेम इंस्टॉल हो चुका है और ये 1 GB का गेम था और जल्दी ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसे प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं गेम लॉफ्ट की स्क्रीन आ चुकी है और ऐसे गेम दोस्तों आप अपने लो एंड पीसी पर आसानी से खेल पाएंगे। बहुत अच्छे गेम हैं और आपको डेटा की कम खपत लगेगी इनको डाउनलोड करने में, साथ ही साथ ही आपके लो एंड पीसी पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी इसमें दोस्तों आपको खेलते वक्त इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, आपके मोबाइल डेटा से भी आप इसे खेल पाएंगे। और बाकी जो गेम्स मैंने बताए हैं दूसरे गेम, उनको भी मैं खेल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे गेम्स हैं। और इसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ पे ESC दबा के, और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से गेम है, WASD ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको खेलना है। मैं आपको बस थोड़ा बहुत ही खेल के बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं इसको कैसे खेलना है। यहाँ पर F1 दबाते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिख जाती हैं इसको कैसे खेलना है, कौन सी की दबानी है, कौन सी की से कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होगा। ये देखिए, और हम आगे चलते हैं फटाफट। ये हमने खेल लिया है और आ चुके हैं हमें मारने के लिए, तो भी इसको भी हम मारते हैं फटाफट से। ये देखिए,
काफी अच्छा गेम लग रहा है दोस्तों। चलिए अब दूसरा गेम खेलते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। और बाकी बहुत सारे आप इसमें करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो इसे हम क्लोज करते हैं और दूसरा गेम खेलते हैं जो कि है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, वर्ल्ड ऑफ टैंक ब्लिट्ज़। ये भी अच्छा गेम है, तो पहले स्नाइपर फ्यूरी आपको खेल के दिखाता हूँ। ये भी गेम लॉफ्ट का गेम है और काफ़ी अच्छा गेम है, तो ये आप देखिए बहुत ही, तो इसे भी आप जब खेलेंगे थोड़ा सा नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप, मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने मोबाइल डेटा से भी इसे खेल सकते हैं, ज़्यादा डेटा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डेटा स्पीड में भी आप इसे खेल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं और जाते हैं, लेट्स गो। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से आप स्नाइपर फ्यूरी को भी आसानी से खेल सकते हैं, बहुत अच्छा गेम है दोस्तों। बहुत अच्छा गेम लग रहा है, अगर आप स्नाइपर गेम्स खेलना चाहते हैं तो ये भी आप खेल सकते हैं। इजी बीजी गेम्स हैं लेकिन काफी मजा आता है खेलने में। तो चलिए दूसरा गेम खेल लेते हैं, इसे भी एग्जिट करते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर मॉडर्न कॉम्बैट 5 खेल के दिखाते हैं, आपने खेला ही होगा दोस्तों, अपने फोन पर भी खेला होगा, लेकिन पीसी पर भी आप इसे खेल सकते हैं, काफी अच्छा है ये भी दोस्तों। 2 से 3 GB का गेम है और काफ़ी मतलब अच्छा गेम है, खेलते वक्त आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर सर्चिंग फॉर ओपोनेंट्स लिखा रहा है और ये भी सर्वर पे ही काम करता है, मतलब सर्वर पे ही चलता है, तो इसे भी नेट की ज़रूरत होती है थोड़ा बहुत। जैसे सर्च होता है वैसे हम इसे खेलते हैं, टीम बैटल कंस्ट्रक्शन साइट, और ये लोड हो रहा है। डिप्लॉय, डिप्लॉय हो चुके हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। इसने मार दिया यार हमें। ये फिर से खेलना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा फटाफट से। मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से गेम खेल रहा हूँ, तो मेरे से खेला नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर खेलते हैं। काफ़ी अच्छा गेम लगता है मुझे, ये सिंपल है और अच्छा है। तो ये है मॉडर्न कॉम्बैट 5, इसे क्लोज करते हैं और दूसरा गेम हम आपको खेल के दिखाते हैं। दूसरा गेम है दोस्तों वॉर ऑफ टैंक ब्लिट्ज, ये भी काफ़ी अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम लगता है मुझे ये। इसमें टैंक्स की लड़ाई होती है, आपने खेला भी होगा ये गेम, अगर नहीं खेला है तो आप इसे डाउनलोड करके खेल सकते हैं। ये भी आपको 2 से 3 GB में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और इन गेम्स को डाउनलोड करके ज़रूर खेलें, काफ़ी अच्छे गेम हैं। और ये भी ऑनलाइन चलता है, इसमें भी आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और फिर से आप मोबाइल डेटा से ही इसे खेल सकते हैं, काफ़ी कम डेटा यूज़ होता है और इस गेम का साइज़ भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम शुरू हो जाते हैं, बैटल स्टार्ट हो रहा है 5 से 6 सेकंड में, और सब टैंक्स ही टैंक्स हैं। स्लो चलता है यार काफ़ी टैंक, लेकिन बाद में आप अपग्रेड भी इन्हें कर सकते हैं। तो सामने एनिमीज़ के टैंक्स आ चुके हैं, उन्हें हमें उड़ाना है। ये देखिए ये आ चुका है, हम देखिए उड़ा दिया हमने। उसके बाद एक और
एनिमी यहाँ पर देर से जल्दी जल्दी आता हुआ। ये देखिए एक और उड़ाया हमने, और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर एनिमीज टैंक है, हमें इन्हें उड़ाना है और उसके बाद गेम हम जीत जाते हैं। ये भी उड़ा गया, काफ़ी अच्छा गेम लगता है। तो विक्ट्री हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो हम दूसरा गेम खेलते हैं। और अब यहाँ पर एस्फॉल्ट 9 हम यहाँ पर खेलेंगे। तो ये गेम तो आपने खेला ही होगा अपने फ़ोन में भी, एस्फॉल्ट रीजन 9। तो ये काफ़ी अच्छा गेम है और मैं भी इसे बहुत खेलता हूँ। रेस स्टार्ट होने वाली है और कुछ इस तरह से ये गेम लगता है। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं इसके और गेम साइज़ भी आपको 2 से 3 GB का मिल जाएगा पीसी में अगर आप इसे खेलते हैं। बहुत ही मस्त गेम है। ओके तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि जो लो NPC गेमर्स हैं वो गेम्स खेल सकें और इन्जॉय कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल जी, जय हिंद।